आपने मांझी द माउंटेन मैन फिल्म तो देखी ही होगी, उसमें एक डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह डायलॉग इसलिए क्योंकि मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया था और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने अपनी कहानी बनाई थी। अगर हम भी लगातार मेहनत करते रहे तो असफलता हमारे सामने घुटने अवश्य टेक देगी। बात अगर खेती की हो तो सभी व्यक्ति खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर खेती कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं विदिशा के एक ऐसे युवक के बारे में जिसने चट्टानों को तोड़कर पथरीली जमीन को हरा भरा बना दिया है। विदिशा के पास ही सेठिया के रहने वाले मुकेश मेहरा ने लगातार 5 सालों तक की मेहनत कर पथरीली जमीन पर खेत बना दिए और आज वह महीने के 40,000 से 50,000 रुपए तक कमा रहे हैं और अपनी गरीबी से संघर्ष कर अपने जीवन को सही दिशा दे रहे हैं। आज मुकेश मेहरा एक सामान्य जीवन जी रहे हैं और साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी है, जो कि गरीबी के कारण उन्हें छोड़नी पड़ी थी। मुकेश ने यह साबित कर दिया कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, यदि आपके हौसले बुलंद हैं, तो आप जहां हैं वहीं से अपने लिए एक सही राह खोज सकते हैं। मुकेश मेहरा बेहद गरीब परिवार से आते हैं। पिता दिहाड़ी मजदूरी किया करते हैं और उनकी माता भी मजदूरी का काम करती हैं। मुकेश ने सन 2015 में 12वीं कक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने पास ही के एक प्राइवेट कॉलेज में अपना दाखिला कराया, लेकिन अचानक उनके पिताजी को लकवा लग गया, जिसके कारण वह पूरी तरह अपाहिज हो गए। इस कारण गरीबी और घर की माली हालत और बिगड़ गई, जिस कारण उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परिवार को मुश्किलों में देखते हुए मेहरा ने स्वयं करने की सोची, जिसके लिए उन्होंने अपने ही गांव में बंजर पड़ी जमीन को किश्तों पर खरीदा, जो लगभग 80 डेसिमल होगी। साथ ही जमीन की किश्तें चुकाने के लिए वेल्डिंग का काम करने वाली आमदनी से परिवार को चलाया और किश्तों को चुकाया। जमीन बंजर और बड़ी बड़ी चट्टानों एवं पत्थरों से भरी हुई थी, जिस जमीन पर कोई भी आम व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई काम भी नहीं कर सकता। इस तरह की खस्ता हाल भूमि पर मुकेश ने मेहनत कर अपनी माली हालत को सुधारने के सपने देखना शुरू किया, लेकिन मुश्किल की बात तो यह थी कि इस भूमि पर मौजूद इतनी बड़ी चट्टानों को देख कर कोई भी बुलडोजर या जेसीपी वाला उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। मुकेश मेहरा के हौसले बुलंद थे। उन्होंने स्वयं ही अपने बाहुबल और छेनी हथौड़ों से अपनी जमीन पर मौजूद अनावश्यक पत्थर एवं चट्टानों को तोड़ना एवं हटाना प्रारंभ कर दिया, जिसके लिए उन्होंने खुद ही पुरजोर मेहनत की। 2016 से लेकर 2021 तक लगातार 5 वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के बाद जमीन को खेती योग्य उपयोगी बना लिया और इसके पश्चात उन्होंने जैविक खेती करने के लिए अपने खेत को उपजाऊ बनाया। इसके लिए गोबर की खाद एवं अन्य प्राकृतिक उपायों से भूमि को उपजाऊ बनाया। अब ये भूमि पूरी तरह से खेती के लिए तैयार है। 5 साल लगे मुझे पत्थर पर फसल उगाने में। मुकेश ने खेती से अपनी पारिवारिक स्थिति भी सुधारी और अब उनके पिता राजू मेहरा भी ठीक है और उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। साथ ही उनका कहना है कि व्यक्ति को नौकरी से ज्यादा किसानी में फायदा होता है और अच्छे से खेती करने के से उनको मुनाफा भी होगा, लेकिन खेती के लिए उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहना चाहिए।